हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है उषा स्ट्रीट फूड में। मैं पूनम सिंह आज आपके लिए एक बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूँ, वो है पोहा। ग्वालियर का पोहा हम किस तरीके से बनाते हैं, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा वाला पोहा लिया है, आपके मार्केट में इजीली अवेलेबल होगा। इसको चिवड़ा चिवड़ा भी कहा जाता है। तो आप इस तरीके का पोहा लें, फिर हम एक भगोना लेते हैं, उसके अंदर ये चिवड़े को डाल देते हैं, पोहे को डाल देते हैं और इसको अच्छे से धो लेंगे। ज़्यादा पानी में इसको डिप नहीं करेंगे। फिर हम दूसरी तरफ एक नॉन स्टिक कुकवेयर लेंगे, या फिर आप कोई भी कढ़ाई यूज़ कर सकते हो। इसमें हम ऑयल मैंने इसमें डाल दिया एक बड़ी चम्मच, और वो गर्म हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालते हैं सरसों के दाने, एक बड़ी चम्मच मैंने डाल दिए, और इसको भी क्रैक होने देंगे। और इसमें अब हम डाल देते हैं ड्राइड करी लीव्स, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे दो कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, एक बड़ा कटा हुआ प्याज, और इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। इसको जब तक पकाएंगे जब तक प्याज जो है अपना कलर चेंज ना कर ले, ब्राउन ना हो जाए। इस पोहे को हम अच्छे से धो लेते हैं, तब तक इस पानी को ड्रेन आउट करेंगे। और इसमें अब हम डाल देते हैं मटर, आधा कटोरी मटर मैंने डाल दी है, और साथ में इसको भी भून लेंगे मटर को। दो से तीन मिनट तक पकाएंगे जब तक ये मटर हल्की सी गल ना जाए। साथ में ही हम डाल देते हैं कटा हुआ टमाटर, ये भी साथ के साथ इसमें पक जाएगा। अब ये पोहा भी ड्रेन हो गया, अच्छे से इसका पानी निकल चुका है, आप देख सकते हो। और दूसरी तरफ हमारी ये मटर और ये टमाटर प्याज भी गल गया है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देते हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर, और साथ में डालेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, और इसको अच्छे से पका लेंगे। इसे मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब हम डाल देते हैं भीगा हुआ पोहा, और इस मसाले के अंदर इस पोहे को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें अब हम डाल देते हैं स्वादानुसार नमक, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक को भी। और इसमें एक डालते हैं नींबू, इसके नींबू का जूस हम इसमें डाल देंगे। और इसको अच्छे से नींबू को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और हमने इस पोहे को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम दूसरी तरफ एक तवा लेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे कुछ मूंगफली के दाने और उसको रोस्ट करेंगे। अब ये देखिए धीरे धीरे कितने अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। बस ये अब ये रोस्ट हो चुके हैं, अब इसको हम डाल देते हैं पोहे के ऊपर। बस ये पोहा बनकर तैयार। आप चाहे तो इसको गार्निश करने के लिए हरी पत्ती धनिया की यूज़ कर सकते हैं।
और फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। एक बार ये ग्वालियर का बना हुआ पोहा ज़रूर खा के देखें, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत डिलीशियस होता है। ब्रेकफास्ट में ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी इस तरीके की रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड्स से, और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।